हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे सिडबी ग्रेड ए के क्वेश्चंस, जीके क्वेश्चंस के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन आए, और मैं मेरा एनालिसिस भी बताऊंगा, ठीक है। और कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, जो मुझे पेपर देने के बाद लग रहा है, ठीक है। तो वीडियो पूरी जरूर देखना। और एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती कि ये नोटिफिकेशन में लिखते हैं करंट अफेयर, और जो इनके मन में आए वही पूछ रहे हैं। ये मतलब क्या ही था, ये एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। तो देखो, जीके के क्वेश्चन कुछ कुछ तो करने लायक थे, ऐसी बात नहीं। 15 क्वेश्चन तो थे करने लायक, 15 से 20 के बीच में, अगर ढंग से कोई बढ़ के जाए तो। बट उसके अलावा बाकी कुछ भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था इन पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंदर फंड रेशियो पूछा था सेंट्रल और स्टेट का, फॉर उन स्टेट के लिए जो नॉर्थ ईस्ट और हिली को हटा के है ना, नॉर्मल स्टेट के लिए पूछा था। तो इसका आंसर था 60-40। और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई थी 2019 के अंदर, तो वहां की पूछ ली, ठीक है। अब डी एन आर एल एम के अंदर एक चैलेंज लॉन्च किया है, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक प्रज्वल चैलेंज लॉन्च किया है, ठीक है। इंडियन आर्मी का मेमोरियल कहाँ बन रहा है, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में बन रहा है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा प्रोफेशनल टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा के अंदर रिसर्च डेवलपमेंट के लिए स्मार्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, SMART लिखा है, ठीक है। ये जनवरी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जनवरी दिसंबर के क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, कितने क्लस्टर बनाने हैं, 300 क्लस्टर बनाने का टारगेट है, ठीक है। अर्जेंटीना ने इस बार वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया था। फिर पूछा था कि उन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता, तो 1978 में जीता था। और ये जनवरी का क्वेश्चन है, कोल प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है, अभी 3-4 जनवरी की न्यूज है ये, तो 16% इंक्रीज हुआ है। और जीए में ये हो गया ना, कितना ही पढ़ लो आप लोग, उनको अगर आपकी बैंड बजानी है तो बैंड बजाएंगे, चाहे आप कितना ही पढ़ लो। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने वाले ही थे, तो 15-20 क्वेश्चन ही करने वाले थे, बाकी सब स्किप वाले ही थे। और अब सारे एग्जाम, बैंक एग्जाम प्लस रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम, ये ऐसे ही कर दिए हैं कि जिसको जीए आएगा उसका मेन एज वही लेगा सिलेक्शन के अंदर। बट जीए दे ही सर हैं, कहाँ से पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट आया कि DICGC किसको इंश्योर नहीं करेगा, तो पेटीएम बैंक, क्योंकि पेटीएम बैंक डिपोजिट नहीं लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज कितना है, एप्लीकेशन अगर पेन बनाते हैं तो उसका चार्ज कितना है, GST को हटा गया तो 93 रुपये है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया। बताओ, एक क्वेश्चन था कि सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड के अंदर अपन पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें पेमेंट का पूछा था कौन कौन से ऑप्शन है। तो अप टू कैश जमा कर सकते हैं अपन 20,000, ठीक है, और चेक भी कर सकते हैं अपन, और दो ऑप्शन और भी थे तो वो याद नहीं आ रहे मेरे, पर ये दोनों ऑप्शन तो सही थे, ठीक है। एक क्वेश्चन डे से था, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन सोलिडेरिटी 20 दिसंबर। अब जिसको हल्का फुल्का भी डे का याद होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ डे वगैरह याद रखा करो, क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग मंथ के थे। अगर किसी को ये भी पता होगा कि दिसंबर में आता है तो आराम से लगाया जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ सरचार्ज रिलेटेड क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था, उसके अंदर कितनी पॉवर्टी डाउन हुई है, 55% से लेके 16.4% डाउन हुई है, बिल्कुल डाटाबेस पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा G20 का मेंबर नहीं है, जर्मनी फिनलैंड थाईलैंड में से, तो आंसर है इसका थाईलैंड, जर्मनी और फिनलैंड तो मेंबर है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी के लिए पूछा था कि एनपीएस फॉर ट्रेडर और सेल्फ एम्प्लॉय के लिए भी एनपीएस रिलीज किया है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है। दक्ष में, दक्ष रिलेटेड क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड कि ये एनबीएफसी को रेगुलेट करेगा, बैंक को रेगुलेट करेगा, और एक और ऑप्शन था याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कमोडिटी प्राइस डेट पिंक शीट कौन रिलीज करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक करता है। विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, तो ये कोई मार्केट से रिलेटेड, सॉरी नहीं, ये मतलब रुपए से रिलेटेड था कि करेंसी को मैनिपुलेट ऐसे रेगुलेट करेगा नहीं करेगा, तो वो ऑप्शन आएगा जो आप नीति आयोग नहीं करता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया अवार्ड के अंदर दो अवार्ड दिए थे, एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर को दिया था और ई नाम को भी दिया था, कौन सी कैटेगरी वाला था वो करेक्ट याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। ये ATM चार्ज बढ़े हैं, लास्ट ईयर बढ़े थे वहां ट्रांजेक्शन के बाद, तो 21 रुपये चार्ज हो गया है, ठीक है। KYC रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब स्टेटमेंट बेस पे ही था वो भी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से क्वेश्चन था, उज्ज्वला 2.0 से क्वेश्चन था, CRA में R का मतलब पूछा था, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन, किसने डेवलप किया था, NPCI ने किया, ये क्वेश्चन भी इजी था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट DBT ऑफ द सेकंड इंस्टॉलमेंट आफ्टर द 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद 2,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ग्राम स्वराज योजना को कब तक एक्सटेंड किया, 2025-26 तक। IRDA का पेड अप कैपिटल कितना इंक्रीज हुआ है, ये आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं देखे भी नहीं मैंने, मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूँ मेनली। इन विच कंट्री GST इज नॉट लेविड इन ट्रांजिट, तो नेपाल भूटान। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन टूरिज्म, टूरिज्म के अंदर इंडिया की क्या रैंक है, पता नहीं।
आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें दे रखा था कि किस किस को इंटीग्रेट किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। बट ये जो जीए आया ना, ये जीए जो डीप जीए पढ़ रहा है ना, वो डेली डेली पढ़ रहा है, डीप जो जिसको नॉलेज है ना, वो आराम से इस क्वेश्चन के अंदर 20 क्वेश्चन करके आया होगा। बाकी जीए बहुत अच्छा आया था, जो काफी मेहनत कर रहे थे करंट को लेकर, बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर, कुछ भी नहीं पूछा है, आरबीआई सर्कुलर वगैरह कुछ नहीं पूछा है, बैंड बजा दी बढ़िया वाली, ठीक है। तो अब मैं मेरे अटेम्प्ट बताता हूँ, जीए के अंदर मैंने 27 किए हैं, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, ये 7-8 क्वेश्चन ज्यादा कर दिए, बाकी 15 के आसपास मेरे करेक्ट हैं, 15-16, तो गलत ज्यादा ही कर दिए मैंने ये। और इंग्लिश में मैंने बहुत कम किए, इंग्लिश में मैंने 17 क्वेश्चन ही किए हैं, हम देखते हैं इंग्लिश की सेक्शन का क्या रहेगा इस बार वापस। और फॉन्ट के अंदर मैंने 27 किए हैं, रीजनिंग नहीं, मेरा पेपर पूरा बिगाड़ दिया, बाकी रीजनिंग अगर मेरी अच्छी होती तो कुछ अच्छा चांस रहता, थोड़ा बहुत चांस रहता, रीजनिंग में ओनली 20, एक पजल सर्कल वाली, उसमें पूरे मैंने 12 से 15 मिनट दे दिए, मैं उसमें खेलने लग गया उससे, मैं ब्लैंक हो गया उस पजल के अंदर। उसका रीजन ये था कि पूरी पजल मैंने एक जो मेन लाइन थी वो उल्टी पढ़ ली, वो बोल रहा था कि ई के इमीडिएट राइट में बैठेगा सी, और मैं उसको लेफ्ट में बिठा रहा हूँ पूरी पजल में, और इसमें ही पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। बाकी रीजनिंग में आराम से मेरे 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन और होते, 31-32 अटेम्प्ट होते तो कुछ अच्छा होता, बट अब क्या बोलें, ठीक है। कट ऑफ के बारे में बात करूं तो कट ऑफ तो देखो, जिस लास्ट ईयर तो पहली बार पेपर हुआ था, फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था, तो पेपर क्या इजी था, इस बार से इजी था, पजल भी इजी थी लास्ट ईयर, बट इस बार थोड़ा पेपर अच्छा आया है, इंग्लिश भी अच्छा है, जो जो मेरे फ्रेंड है लास्ट इंटरव्यू देखे हैं वो खुद बोल रहे हैं इंग्लिश भी अच्छी थी इस बार तो, और जीए तो थी बहुत, पिछली बार भी जीए सी ही थी, बट इस बार थोड़ी ज्यादा ही जीए सी थी, ठीक है। कट ऑफ लास्ट ईयर से लगभग मुझे 10 नंबर के आसपास, रिटर्न ओनली रिटर्न एग्जाम की बोल रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं, रिटर्न की 8 से 10 नंबर कम लग रही है, 8 से 10 मार्क्स कम लग रही है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव भी ठीक हुआ है, बट अब यहाँ थोड़ा मामला खराब हो गया, क्योंकि मुझे यह था कि क्वांट और रीजनिंग में मिला के अप्रोक्स मुझे 90 नंबर लाया था, यहाँ से 90 नंबर आ जाते तो काम इजी हो जाता थोड़ा, बट यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही खराब काम कर दिया अपन ने, और इस पेपर में बहुत मेहनत की थी, इसीलिए मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, कल तो थोड़ा मूड ज़्यादा ही खराब था, बहुत ही ज़्यादा इसमें पेपर में मेहनत की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना मिशन है आरबीआई, आरबीआई असिस्टेंट आ रहा है, उसके बारे में जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, ओके। और जिनका कल एसबीआई पीओ मेंस है उनको गुड लक, ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।